पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना। मूली आवाज के मालिक बड़े ही हुनरमंद कलाकार हेमंत मुखर्जी की, जिन्हें हम हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 16 जून सन 1920 में शहर वाराणसी। हालांकि इनका परिवार दरअसल बाहरू इलाके से है, लेकिन बाद में कोलकाता चला आया। कोलकाता में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन स्कूल में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। यहीं पर इनकी मुलाकात हुई सुभाष मुखोपाध्याय से। सुभाष मुखोपाध्याय भी आगे जाकर एक बहुत बड़े बंगाली कवि बने। गाना न आया बजाना न आया, दिल पर को अपना बनाना न आया। हाँ। आगे जाकर हेमंत कुमार साहब ने सोचा कि ये जादवपुर के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई थी, है तो मन में कलाकारी, तो फिर इंजीनियरिंग कैसे पूरी होगी। लिहाजा इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर संगीत में ही अपना पूरा मन लगा दिया। हालांकि इनके पिता की तरफ से जरा मुखालफत तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने संगीत का दामन न छोड़ा। तो पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। इन्होंने कुछ लघु कथाएं और भी लिखी जो कि उस जमाने की बांग्ला पत्रिका देश में प्रकाशित हुई। हेमंत कुमार ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए सन 1935 में। अपने जमाने के मशहूर साजिंदे शैलेश दत्ता गुप्ता का भी असर इन पे रहा। इनके ऊपर एक बहुत बड़े गायक पंकज मलिक का भी गहरा असर था। लेकिन इस बात में भी कोई दोराय नहीं कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया फणीभूषण बैनर्जी से। चम 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 चले वमा, दुनिया से ना डरे वमा, जिसका बेटा राजकुमार उसके घर में सदा बहार। चम 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 चले वमा, दुनिया से ना डरे वमा। एक तरफ संगीत की शिक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ इन्होंने कोलंबिया लेबल के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए और उसके बाद ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के लिए भी। इनका पहला हिंदी गाना था कितना दुख भुलाया तुमने और ओ प्रीत निभाने वाली, जो कि सन 1940 में दुनिया के सामने आया था। मेरे आशाओं के बस्ते को मिटाएंगे तो, दिल मेरा लूट के एक दिन चले जाएंगे तो। इनकी पहली बंगाली फिल्म थी निमाई संन्यास, जिसका संगीत हरिप्रसन्ना दास ने दिया था। पर अभी भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि हेमंत कुमार महानतम गायकों में से एक बनेंगे और सबसे जबरदस्त संगीतकारों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल होगा। बतौर संगीतकार इनकी पहली बांग्ला फिल्म रही अभियात्री, जो कि सन 1947 में आई। ये 40 की दहाई तक आते आते इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए और जमाने में इप्टा के एक और बड़े जबरदस्त मेंबर सलिल चौधरी के साथ इनकी गहरी दोस्ती हुई और सलिल चौधरी भी आगे जाकर महानतम संगीतकारों में से एक बने। इन दोनों ने साथ में काफी काम किया, पर धीरे धीरे गायकी के साथ हेमंत कुमार साहब के संगीत निर्देशन की भी खूब चर्चा होने लगी। इनके एक डायरेक्टर मित्र रहे हेमेन गुप्ता, उन्होंने जब मुंबई की तरफ रुख किया तो हेमंत कुमार को भी बुला लिया। हेमंत मुखर्जी ने फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत दिया। आनंद मठ का संगीत बड़ा मकबूल हुआ। उसमें गाया लता मंगेशकर जी का गाना वंदे मातरम, आज भी बच्चे बच्चे की जुमा पर है। पर अभी भी बतौर प्लेबैक सिंगर इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी और तब महान संगीतकार एस डी बर्मन ने इन्हें मौका दिया फिल्म जाल में। गाना था ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, हाउस नंबर 44 का गाना चुप है धरती चुप है चांद सितारे और 16 साल फिल्म का है अपना दिल तो आवारा। इन गानों ने हेमंत कुमार को सबसे मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर बना दिया। दुनिया के साथ चलो नया जमाना है ये, मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये, झूठी इनकी जात कहो या कहो इन्हें दीवाना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। इन्होंने फिल्म नागिन का संगीत दिया और नागिन की बीन आज भी बड़ी मशहूर है। इसी बीच इनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए रवि शंकर शर्मा,
जो आगे जाकर बहुत बड़े संगीतकार बने, जिन्हें हम रवि के नाम से जानते हैं। नागिन फिल्म के लिए इन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इन्होंने गुरुदत्त के लिए प्लेबैक सिंगिंग की तो बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार पचास की दहाई आते आते इन्होंने हेमंत बेला प्रोडक्शंस के नाम से एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और फिल्म बनाई नील आकाशेर नीचे। इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी बड़ी जबरदस्त फिल्में साबित हुईं। एक तरफ बांग्ला सिनेमा तो दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा, दोनों ही जगह इनका खूब नाम हुआ। प्यार की है मार बेटा को नहीं जानता, मैया का कहा कोई बुरा नहीं मानता। आजा जा मेरे राजा गोद में तू झटपट चूंगी गाल तोरे, चंदा से गोरे गोरे जाऊंगी सबसे अपने लाल के। बिल्ली बजाए बाजा गाए चुनू का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। इनके परिवार की तरफ रुख करें तो पता चलता है ये तीन भाई और एक बहन रहे। बहन का नाम नीलिमा, इनके बड़े भाई का नाम तारा ज्योति जो कि बांग्ला के लघु कथा लेखक रहे। इनके सबसे छोटे भाई अमल मुखर्जी जो गाना भी गाया करते थे और संगीत निर्देशन भी दिया करते थे। हेमंत कुमार साहब का विवाह हुआ बेला मुखर्जी से जो कि एक बड़ी जबरदस्त बंगाली गायिका रही। पर शादी के बाद बेला मुखर्जी ने परिवार को संभाला। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा जयंत और बेटी रानू। आगे जाकर बहुत ही जबरदस्त हीरोइन मौसमी चटर्जी इनकी बहू बनी। इन्होंने एक तरफ फिल्में प्रोड्यूस करी, फिल्मों का संगीत भी दिया और बतौर प्लेबैक सिंगर भी बड़ी ख्याति प्राप्त करी। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया ये 80 की दहाई की शुरुआत तक गाना गाते रहे। पर 80 की दहाई की शुरुआत में ही इन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था जिस वजह से इनकी गायकी पे गहरा असर आया था। ये बात भी गौर करने लायक है कि इन्हें पद्मभूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जाना था लेकिन इन्होंने ये दोनों ही अवार्ड स्वीकार ना किए। इन्हें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुलाया गया जहाँ पे माइकल मधुसूदन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। वहां से वापस आने के बाद हेमंत कुमार साहब को दिल का दौरा पड़ा। तारीख 26 सितंबर साल सन 1989 और तब इनका इंतकाल हो गया। इन्हें फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया तो नेशनल फिल्म अवार्ड से भी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हेमंत मुखर्जी यानी कि हेमंत कुमार साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा।